चैनल में हम बात करते हैं वेरियस वुमेन्स हेल्थ इश्यूज के बारे में और वेरियस प्रेगनेंसी इश्यूज के बारे में। हम सब माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला बच्चा हो, हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बिहेवियर वाइज अच्छा हो। तो ये कैसे संभव है? क्या इसकी तैयारी हम अपने प्रेगनेंसी से ही शुरू कर सकते हैं? ये सारी चीजें हम वीडियो में देखेंगे। आपको ये बता दूं कि हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसका 25% ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो प्रेगनेंसी में ही हो जाता है, आई मीन बर्थ के पहले ही हो जाता है। नेक्स्ट 50% जो होता है वो 1 ईयर तक कम्प्लीट होता है, 80% 3 ईयर्स ऑफ लाइफ तक कम्प्लीट होता है, और जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। और हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो सिर्फ 40% ऐसा होता है जो हमारे जीन्स के हिसाब से वैरी करता है, हमारे जेनेटिक इन्फ्लुएंस के हिसाब से वैरी करता है। रेस्ट ऑफ द 60% जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि हम हमारे बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, अगर हम अपना सराउंडिंग एनवायरमेंट अच्छा बनाएं तो हम उसका इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट पेट में ही होता है, तो अगर हम पेट से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, बर्थ से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दें, तो बच्चे को हम अपने हिसाब से उसको उसका इंटेलिजेंस लेवल दे सकते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। हमें पता है कि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जिसके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसलिए मदर अगर अपने डाइट का ध्यान रखे, वो सारे डाइट ले जो प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो बच्चे को एक सही एनवायरमेंट मिलता है उसका न्यूरोनल डेवलपमेंट होने के लिए। हम सब ने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो ज़रूरी होता है न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए, नर्वस डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स में अवेलेबल होता है। आप जो भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उसमें होता है। एक बार आप जब भी ले रहे हैं एक बार देख भी सकते हैं कि उसमें है या नहीं है। घर के ऐसे फूड्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो होते हैं फिश। अगर आप फिश खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उसमें आपको नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो वेरियस अदर फूड्स भी होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि वेरियस नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनाच, मेथी, सोयाबीन और वेरियस अदर नट्स, ये सारे रिच सोर्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसलिए अपने डेली डाइट में इन सब चीज़ों का यूज करिए। वॉलनट्स का तो शेप ही ब्रेन जैसा होता है और कहते भी हैं कि वॉलनट्स खाने से ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। आलमंड्स में नियासिन होता है, प्रोटीन होता है, ये सारा न्यूरोनल डेवलपमेंट को हेल्प करता है। स्पिनाच, लीफी वेजिटेबल्स और नट्स में आयरन होता है जो हेल्प करता है न्यूरोनल डेवलपमेंट को आयरन प्रोवाइड करके। इसलिए अपने डाइट में स्पिनाच, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, फिश, इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। अगर आप टॉलरेट कर पाते हैं तो फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है वेरियस ऐसे फूड्स लेने जिसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हों, विटामिन सी हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। ये अवेलेबल होता है फ्रेश फ्रूट्स में, जिसमें अनार जो है वो बेस्ट फ्रूट माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, विटामिन सी भी मिल जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाता है। ये सब हेल्प करते हैं आपके बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट में। एक अनार डेली बेसिस पे यूज करें तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है डीएचए। डीएचए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में अपने बता रखा है। डीएचए का फुल फॉर्म होता है डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर डेवलपमेंट में। जो हमारे ब्रेन का जो पूरा मैटर होता है वो डिवाइडेड होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में। ग्रे मैटर इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, और डीएचए जो है ये ग्रे मैटर के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसलिए डीएचए का सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स में, मल्टीविटामिन्स में डीएचए होता है, तो जब भी आप कोई प्रोटीन पाउडर या मल्टीविटामिन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें देख लें कि डीएचए है या नहीं है। डीएचए बच्चे के लिए तो अच्छा है ही, मदर के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो ब्लड वेसल का प्रॉपर ध्यान रखता है, तो मदर का बीपी नहीं बढ़ता है, मदर को वेरियस थायराइड और लीवर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे के प्रीटर्म डिलीवरी होने को रोकता है और आईयूजीआर को रोकता है। आईयूजीआर मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं होता तो बच्चे का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो डीएचए लेने से आईयूजीआर भी कम होता है, प्रीटर्म डिलीवरी भी कम होती है, तो डीएचए का सेवन अपनी प्रेगनेंसी में जरूर कीजिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का ध्यान रखिए। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, जो भी आपको पसंद है वो आप डेली बेसिस पे लीजिए। ये भी न्यूरोनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और मिल्क अगर आप लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर
मेंटेन करके रखता है, आपका डाइजेशन मेंटेन रहेगा, तो आप जो भी खाएंगे न्यूट्रिएंट्स जो भी आप लेंगे वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब होगा बॉडी में। तो डेली बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना है सही मात्रा में। अब हमने डाइट तो देख लिया, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी कोई अपना कोई एक ऑर्गन प्रॉपरली यूज करते हैं तो उसको डेवलपमेंट होता है। अगर हम राइट हैंड यूज करेंगे तो राइट हैंड प्रॉपरली अच्छा से काम करना शुरू करता है, लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड काम करना शुरू करता है। वैसे ही जिस भी ऑर्गन को आप स्टिमुलेट करते हो तो वो ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। यही थ्योरी जो होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो हम अपनाते हैं उसके न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे का न्यूरोनल फ्लो सही से हो, उसको नर्व इम्पल्सिस मिलते रहे, ये हम इम्पल्सिस देते हैं वेरियस सेंसेशंस के थ्रू, जैसे कि लाइट, साउंड, टच एंड स्मेल के थ्रू। बच्चा 6 मंथ के अराउंड सुनने लगता है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी डेवलप होने लगती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7, 8 और 9 मंथ में बच्चा मेमोराइज करने लगता है, जो भी वो सुन रहा है वो मेमोराइज करने लगता है। इसलिए माँ को ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को स्टोरी सुनाइए, गुड म्यूजिक सुनिए, स्पिरिचुअल मंत्रा सुनिए, जिससे क्या होगा कि हियरिंग इम्पल्स ब्रेन में जाएगा और ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। इस चीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए थे, देखा गया था कि अगर मदर को लास्ट 3 मंथ्स में कुछ पैसेज सुनाया जाता है कॉन्स्टेंटली, या कुछ साउंड सुनाया जाता है, या कुछ म्यूजिक सुनाया जाता है, तो बर्थ के बाद वो बच्चा रिकग्नाइज करता है उस म्यूजिक को, उस पैसेज को रिकग्नाइज करता है। और महाभारत के अभिमन्यु की कहानी तो हम सबको पता है, इसीलिए बच्चे को पेट से ही आप उसको इम्पल्स दे सकते हैं, हियरिंग इम्पल्स दे सकते हैं, अच्छे साउंड के फॉर्म में, अच्छे म्यूजिक के फॉर्म में, अच्छे स्टोरी के फॉर्म में। तो ये आप करना शुरू कर दीजिए 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स। म्यूजिक अपने आप में एक कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है, जैसे मदर का भी मन चीयरफुल रहता है, मदर भी हैप्पी रहती है, अंदर बच्चा भी हैप्पी रहता है, हैप्पी रहता है तो वो एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है तो अपने आप ही ब्रेन डेवलपमेंट होगा। इसलिए म्यूजिक के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए अच्छे म्यूजिक जो भी आपको सूदिंग लगे, कामिंग लगे, वो प्रेगनेंसी में जरूर सुनिए। दूसरा सेंसेशन होता है लाइट सेंसेशन, जो आपको अपने बच्चे को देना है। आर्टिफिशियल लाइट से बेटर होता है सनलाइट, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले एटलीस्ट 20-25 मिनट के लिए मॉर्निंग सनलाइट में आप जाइए, तो उससे भी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लाइट भी बच्चे के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। सनलाइट में बैठने से आपको और भी फायदे होंगे कि आपको विटामिन डी सही से मिलेगा। विटामिन डी अपने आप में ही अच्छा है, क्योंकि वो मदर के बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चे के बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट में भी विटामिन डी हेल्प करता है। तो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ी देर के लिए सनलाइट में 20-25 मिनट्स के लिए बैठ लीजिए, वॉक कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए। इसके अलावा जो सेंसेस हैं वो होते हैं स्मेल सेंसेशन और टच सेंसेशन। टच सेंसेशन, बच्चा हमेशा अपने मदर के टच को रिस्पॉन्ड करता है, उसको आप और स्टिमुलेट कर सकते हो, जैसे आप अपने टमी पे दिन में कम से कम 2-3 बार मसाज कर लीजिए किसी ऑयल से, तो उससे टच सेंसेशन बच्चे को जाएगा, उससे भी उसका ब्रेन स्टिमुलेशन होगा। और टमी पे मसाज करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको इचिंग नहीं होगी, आपके जो स्ट्राया मार्क्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक हैबिट बनाइए अपने टमी पे कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजर से मसाज करने के लिए। आप बच्चे के फादर को भी बोल सकते हैं कि बीच बीच में आपके टमी को टच करे, मसाज करे, ताकि बच्चे के फादर का भी जो टच सेंसेशन है वो बच्चे को जाए और उसका प्रॉपर न्यूरोनल डेवलपमेंट हो। दूसरा सेंस होता है स्मेल सेंसेशन। स्मेल सेंसेशन जो होता है, हमारी ऑलिफैक्टरी नर्व्स होती है नाक में, उसके थ्रू जाता है ब्रेन में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फ्लावर्स हैं जिसकी अच्छी स्मेल है, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में रख सकते हैं, जिससे वो सेंसेशन भी बच्चे को जाए और उसका प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट हो। तो हमने सारे सेंसेस देखे, लाइट, साउंड, टच और स्मेल, ये सारे जो है अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और बच्चे का प्रॉपर न्यूरोनल डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा मदर क्या कर सकती है, उसको अपने हैबिट्स का ध्यान रखना है। अगर वो प्रॉपरली सो रही है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्लीप अच्छा है तो मदर रिलैक्स रहेगी, हैप्पी रहेगी, चेयरफुल रहेगी, और कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट रहेगा मदर में, और मदर्स का जो इमोशंस है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फीटस के इमोशंस पे, फीटस के न्यूरोनल डेवलपमेंट पे। इसलिए मदर्स का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए और रात में कम से कम 8 घंटे के लिए अच्छी नींद लेनी है। प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए, कैसी अच्छी नींद लेके आए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको टाइम मिले तो वो जरूर देख लीजिए। मदर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, मदर अगर एक्टिव रहती है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करती है, तो वो भी बच्चे के न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब मदर एक्सरसाइज करती है, एक्टिव रहती है, तो वो सारे जो अच्छे केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, वो बेबी में ट्रांसमिट होते हैं और बेबी के न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं।
एक्सरसाइज करते समय जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है वो भी डायरेक्टली बच्चे को जाता है, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव करना है और थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 20-25 मिनट्स के लिए आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। आयोडीन सप्लीमेंट्स, हम सबको पता है कि पहले जमाने में जब आयोडीन की कमी होती थी तब कितने सारे बच्चे थे जो ऐसे पैदा होते थे जिनका IQ लेवल बहुत कम है। और अब हमारे डाइट में ऑलमोस्ट एटलीस्ट सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट होता है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप रूरल एरिया में हैं, किसी ऐसे गांव में हैं जहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है अपने डाइट में आयोडीन का प्रॉपर अमाउंट में सप्लीमेंट लेना है। क्योंकि अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में तो वो बच्चे के ब्रेन और न्यूरोनल डेवलपमेंट दोनों को इम्पैक्ट करता है और उसके IQ को कम कर सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है थायराइड लेवल। थायराइड लेवल आजकल प्रेगनेंसी के जैसे ही पता चलता है कि कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, हम हर माँ का थायराइड लेवल कराते हैं। क्योंकि अगर माँ में थायराइड की कमी है तो वो बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है, और थायराइड की कमी की वजह से मदर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो मैटरनल और फिटल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं थायराइड की कमी की वजह से। इसलिए टाइम से अपना थायराइड चेकअप करा लीजिए, और अगर वो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स थे जिससे आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, अपने बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट आप पेट से शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, स्लीप का ध्यान रखना है, थायराइड आयोडीन का ध्यान रखना है, और वेरियस सेंसेस जिसका हमने बात किया, टच, स्मेल, साउंड और लाइट का ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये सारे टिप्स फॉलो करिए, अपने बेबी को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उन सारे पेरेंट्स को शेयर करिए जो अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, ताकि वो अपने बच्चे को पेट से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना सके। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरियस अदर पोस्ट एंड वीडियोज। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एकदम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय।